हाँ जी बेटा, लेट अस अगेन टुडे स्टार्ट विद 13.2 एक्सरसाइज। हमने कल की थी 13.2 एक्सरसाइज, और उसमें हमने नियर अबाउट जो है 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। पेन स्टैंड वाला लास्ट क्वेश्चन था जो हमने किया था। ओके, तो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 13.2। मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5th बेटा। ओके, लेट अस रीड दैट क्वेश्चन नाउ। व्हाट इज रिटन हियर? अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इनवर्टेड कोन। हमारे पास वन ऑफ द वेसल इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ इनवर्टेड कोन एंड इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर जो है हाइट दी हुई है, एंड रेडियस जो है ऑफ इट्स टॉप व्हिच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। मेरे पास जो है रेडियस जो है वो ये दिया हुआ है, ठीक है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, जो है पानी ऊपर तक जो है वो यहाँ पर हमने फिल किया हुआ। ब्रिम मतलब टॉप ऑफ द जो होता है हमारे पास, ठीक है। तो अब उसने क्या, व्हेन लेड शॉट्स ईच जो है ऑफ विच इज स्फेरिकल ऑफ रेडियस। अब हमने लेड शॉट्स मतलब छोटी छोटी मेटल की बॉल्स हम कह सकते हैं, ठीक है, वो जिसका रेडियस जो है 0.5 सेंटीमीटर, दैट इज मेंशन देयर कि 0.5 सेंटीमीटर की वो बॉल है, वो ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, हमने वो पानी में डाल दी। ओके, वेसल में डाल दी। अब उन्होंने कहा जैसे ही मैंने बॉल्स डाली तो 1/4 ऑफ द वॉटर फ्लो आउट। वो कहता है जितना पानी का वॉल्यूम था ना उसका 1/4 पानी बाहर आ गया। नाउ व्हाट आर दे राइट, फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। मैंने कितने लेड शॉट्स डाले कि उसका 1/4 वाटर जो है वो बाहर निकल गया। अब एक कॉन्सेप्ट जो है हमारा यहाँ पर होता है, हम किसी भी मान लीजिए कोई गिलास है या कुछ है, लेट अस सी, मेरे पास आई एम हैविंग दिस गिलास विद मी, अगर ये फिल ऑफ वॉटर है, ठीक है। मैंने मान लीजिए एक चॉक डाला, दो चॉक डाले, तीन चॉक डाले, फोर चॉक डाले, फाइव डाले, सिक्स डाले, मुझे नहीं पता मैंने कितने डाले, लेकिन मैंने देखा मेरा जो पानी बाहर गिर रहा था ना वो मैंने प्लेट में इकट्ठा कर लिया, और उसका वॉल्यूम देखा कितना, मैंने इसके नीचे प्लेट रख ली और वो पानी इकट्ठा देखा कि जितना पानी निकला ना वो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगता है कि जितना पानी बेटा बाहर निकलता है ना, जितना वॉल्यूम बाहर निकला उतना ही वॉल्यूम अंदर गया होगा, क्योंकि वो डिस्प्लेस्ड करता है वॉल्यूम। ओके, वाटर उतना ही डिस्प्लेस करता है जितना बाहर गिरा, तो दैट मीन्स जितना गिरा उतना वॉल्यूम लेड शॉट का था। हमें एक लेड शॉट का वॉल्यूम पता है, हमें पता चल जाए तो कि कितने लेड शॉट्स डाली, क्योंकि टोटल वॉल्यूम को एक वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट से हम डिवाइड कर दें तो हमें नंबर ऑफ लेड शॉट्स पता चल जाएंगे, ठीक है। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, दूसरा हम सीधा भी लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम मान लेते हैं लेट एन बी द नंबर ऑफ लेड शॉट्स। ओके, अब बेटा एन इंटू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट, वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट जो है वो किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि जितनी लेड शॉट्स गई उसका वॉल्यूम और जितना पानी बाहर निकला उसका वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करो, एन इनटू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट स्फेरिकल है ना, तो पाई आर जो है मेरे पास जो है यहाँ पर जब हम करेंगे, मैं आगे लिख देती हूँ 4/3 πr³। मैंने यहाँ पर आर इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर लिख दिया, यहाँ कैपिटल आर कर देते हैं। ओके, दैट इज इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ द कोन,
वो क्या होता है, 1/3 पाई आर मेरे पास जो है स्क्वायर, और एच एच हम स्मॉल जैसे वहां लिखा है वैसे यूज किया। ओके, इसका बेनिफिट पता क्या होगा, टर्म्स फटाफट कट जाती है, हमें पाई पुल की वैल्यू नहीं डालनी पड़ती। अब पुट ऑल द वैल्यूज है, बाकी तो सब मैंने लिखी हुई है, तो पाई से पाई मैंने कैंसिल कर दिया बेटा, ठीक है, थ्री नीचे था मैंने कैंसिल कर दिया। ओके, तो एन इंटू फोर इंटू आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब 0.5 क्यूब, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, 5 स्क्वायर इंटू एच दैट इज 8, और नीचे 4 था और ये कैंसिल कर दो 2 हो गया। अब बेटा n इज इक्वल टू 25/2 इंटू 4 इंटू 0.5 होल क्यूब। सॉल्व कीजिए जल्दी, बताइए कितना आंसर आया, सॉल्व इट एंड गेट द आंसर, जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस करिए। देखो जब ये ओपन करोगे मेरे पास 25 25 जो है 125, और ऊपर जाएगा 1000, ठीक है, 25 से 25 कट गया, और एक 5 से वो 5 क्वांटिटी कट गई, नीचे 10 रह गया, तो 100 आंसर मेरे पास बचेगा। चेक इट, यस दक्षिता, हाँ जी बेटा, हाँ जी दक्षिता, अनम्यूट कीजिए। एक्सक्यूज मैम, प्लीज थोड़ा सा कैमरा नीचे कर दो। हाँ जी, श्योर बेटा, श्योर, ये लीजिए। ओके, थैंक यू। ओके, क्योंकि ये नंबर ऑफ शॉर्टकट से इसका कोई यूनिट नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, तो आंसर विल बी 100, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट करें बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपका नहीं हुआ आप बाद में नोट कर लेना। लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में अब मेरे पास क्या दिया हुआ है, ठीक है, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6 में व्हाट इज रिटन हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा इट इज रिटन हियर, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट जो है मेरे पास जो है 220 सेंटीमीटर। एक पोल है जो उसका जो बेस जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, और इसकी हाइट जो है बेटा 220 सेंटीमीटर, दैट इज गिवन टू। ओके, एंड इट्स बेस डायामीटर इज 24। अगर बेस डायामीटर जो है वो मेरे पास 24 सेंटीमीटर। ओके बेटा, क्लियर। नाउ व्हाट इज रिटन हियर, यहाँ पर जो है विच इज सरमाउंटेड बाय द अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 एंड रेडियस जो है 8 सेंटीमीटर। इसके ऊपर ही एक और सिलेंडर जो है ऐसे दिया हुआ है जिसकी हाइट मेरे पास जो है 60, एच इज 60 सेंटीमीटर, और मुझे बोला गया है कि रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, आर इज 8 सेंटीमीटर, दैट इज गिवन टू मी। हम यहाँ पर कैपिटल कर देते, ठीक है, और यहाँ पर स्मॉल, ताकि हमें पता चल जाएगा आर इधर 12 सेंटीमीटर। ओके बेटा, क्लियर। नाउ व्हाट दे हैव रिटन, फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास एंड पाई इज 3.14। ये तो बहुत ही इजी दिया हुआ है, उन्होंने कहा है कि इसका मास निकालना है। मास किसके साथ कोरिलेटेड है, वॉल्यूम के साथ कोरिलेटेड है, तो ऑब्वियस है हमने अगर इस पूरे पोल का वॉल्यूम निकालना है तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ लोअर सिलेंडर, और वॉल्यूम हमें पता है कि पाई आर स्क्वायर मेरे पास जो है एच होता है सिलेंडर का, तो लेट अस डू वेरी इजी। तो हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वी विल राइट वॉल्यूम, रिक्वायर्ड वॉल्यूम
दैट इज इक्वल्स टू अपर सिलेंडर वॉल्यूम, अपर सिलेंडर वॉल्यूम ओके प्लस जो है लोअर सिलेंडर वॉल्यूम ओके। अब बेटा मेरे पास जो है अपर सिलेंडर का पाई जो है आर स्क्वायर एच और लोअर का पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर। अब पाई की वैल्यू आपको 3.14 दी है तो वो ही लेनी है, डोंट यूज अनदर वन, ठीक है। तो मेरे पास आपने पाई कॉमन लेना है ले लीजिए, अलग अलग कैलकुलेट करना है अलग अलग कैलकुलेट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम अलग अलग करके कर लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरे पास जो है 3.14 और आर स्क्वायर मेरे पास जो है आर इज 8 तो 8 स्क्वायर और इनटू एच 60 प्लस 3.14 और आर स्क्वायर मेरे पास 12 स्क्वायर इनटू एच 220, ठीक है। 3.14 64 इंटू 60 प्लस 3.14 12 का स्क्वायर 144 इंटू 220 ओके बेटा जी। अब हम क्या करें, मेरे पास जो है यहां पर इसको कैलकुलेट करते हैं, इस सारे को मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट, चेक कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए और चेक कीजिए क्या हमारे पास इसका आंसर जो है 9 9 4 7 5.2। मैंने कैलकुलेटर पे किया, आप मैन्युअली करके देखोगे ओके बेटा। और नेक्स्ट का मेरा आंसर 1 2 0 मेरे पास जो है 5 7.6, दोनों को ऐड कीजिए, हम ऐड कर लेते हैं 0.8 12, देन मेरे पास जो है 3 5 और 111, चेक कर लो बेटा सेंटीमीटर क्यूब ओके जी। जल्दी मल्टीप्लाई करके ऐड करके चेक कर लो, मैंने चेक कर लिया है ओके, क्लियर बेटा। अब हमने कहना है यहाँ पर आप लिखोगे, क्योंकि मास की बात हो रही थी, उन्होंने लिखा हुआ था कि मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 8 ग्राम, दे जस्ट राइट देयर। तो आप लिखोगे मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 8 ग्राम ओके। और मैंने कितना वॉल्यूम निकाला था, दैट इज 1 1 1 5 3 2 ओके। तो मास ऑफ 1 1 1 5 3 2.8 सेंटीमीटर क्यूब दैट इज इक्वल टू 8 × 1 1 1 5 3 2.8 जो है ग्राम आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इट कम आउट टू बी 8 9 मेरे पास जो है 2 2 8 9 2 2 6 2.4 ग्राम। आप केजी में कन्वर्ट कर सकते हो, आपको ग्राम हो केजी में जाना है तो हम क्या करते हैं 1000 से डिवाइड करते हैं, तो मेरे पास जो है 8 9 2 2 6 2.4, जैसे 1000 से डिवाइड किया तो ये केजी 1 2 3 शिफ्ट हो जाएंगे 8 9 2.2 6 2 4 केजी। आप इसको अप्रोक्सीमेटली जो है 8 9 जो है 2 पॉइंट जो है 3 केजी भी ले सकते हो ना, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में उन्होंने कितने तक लिया, आप 3 डिजिट तक ले लो, 4 तक ले लो, 1 तक ले लो, इट इज टोटली अप टू यू। मिनिमम हमें 2 तक लेना चाहिए वैसे, है ना, तो बेटर होता अगर हम 2 तक लेते तो हम इसको 2 6 क्योंकि इसके बाद 2 ही था, राउंड ऑफ होना नहीं है, तो ऐसे 2 तक ले लो ओके, बहुत होता है 2 तक लेना, ठीक है बेटा क्लियर।
सबको बात समझ आ गई, क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन इसमें बार बार आ रहे हैं ना, अगर आप देखो तो हमने या तो एक के ऊपर एक रखा है या बीच में कुछ डाला है। तो मैं बार बार कहती हूँ, जब भी हम किसी में बीच में कुछ डालते हैं उतना पानी बाहर निकलता है जितना जो चीज क्वांटिटी अंदर डिस्प्लेस्ड की है उसके वॉल्यूम के इक्वल। तो सेम कॉन्सेप्ट अब नेक्स्ट में लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7th देखिए। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7th फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज। बस इस चैप्टर की कैलकुलेशन ज्यादा होती है बेटा, और कुछ नहीं है, तो वो बहुत ध्यान से हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 7th फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज। अब क्वेश्चन नंबर 7th में बेटा हम क्या देखेंगे, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन मेरे पास जो है ऑफ हाइट जो है 120 सेंटीमीटर। मेरे पास एक सॉलिड है जो कि कोन से बना हुआ है और इसकी हाइट जो है वो 120 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, और रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। इसका रेडियस भी 60 सेंटीमीटर दिया और ये कोन एक हेमिस्फीयर पे खड़ा किया गया है ना, तो इसको भी रेडियस जो है वो 60 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से सुनना बेटा आगे क्या दिए, हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है फुल ऑफ वॉटर सच दैट इट टचेज द बॉटम। अब इस टॉय को कह लीजिए, एक सॉलिड को कह दीजिए, एक हमने क्या किया, एक सिलेंडर में ऐसे बिल्कुल सीधा खड़ा किया सो दैट कि ये बॉटम को टच कर। ठीक है, ये भी 60 है, ये 60 है, तो ये भी मेरे पास 60 है, ये ऊपर 120। ठीक है बेटा जी, अब मेरे पास जो है यहां पर उन्होंने कहा कि इस सॉलिड को एज इट इज हमने एक कंटेनर सिलेंडर में डालना है जो कि पानी से भरा हुआ है। अब उन्होंने क्या कहा यहाँ पर कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वॉटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 एंड इट्स हाइट इज 180 जो है ये सक्षम ऑन योर वीडियो सक्षम गरोवर ऑन योर वीडियो बेटा फेस दिखाइए अपना बेटा सक्षम शो मी द फेस बेटा सो दैट आई कैन यस हाँ जी बेटा बोलिए सक्षम मैम उन्होंने अंदर भी कोन नहीं सिलेंडर ही लिया है नहीं बेटा उन्होंने राइट सर्कुलर कोन बोला है मेरे पास सी द फेस क्वेश्चन नंबर 7th में द राइट कंसिस्ट अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन सर्कुलर कोन बेटा सर्कुलर कोन मतलब दैट इज अ कोन ओके ओके है ना दैट इज सर्कुलर डजंट मींस की सिलेंडर दे मेंशन इट की ओके चलिए अब बेटा उन्होंने मुझे कहा कि सबसे पहले दे जस्ट राइट कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वॉटर लेफ्ट इन द सिलेंडर कि कितना पानी बचा कोन में कितना पानी बचेगा आपके पास उतना फ्लो आउट हो जाएगा जितना उस सॉलिड का वॉल्यूम है बाकी बचेगा ना यानी हम पूरे सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो अंदर गया है स्फेरिकल प्लस कोन हेमिस्फीयर प्लस कोन का वॉल्यूम क्या कर दे माइनस कर दे तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा जितना पानी मेरे पास लेफ्ट ओवर ओके बेटा तो अल्टीमेट एम तो हमें यही करना पड़ेगा हम क्या करें सबसे पहले पहले हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकाले ठीक है फिर हमारे पास जो है वॉल्यूम ऑफ हम सॉलिड इंसर्टेड निकालेंगे फिर हम क्या करेंगे दोनों के वॉल्यूम को माइनस कर बस ओके तो लेट अस डू द क्वेश्चन
ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है हमारे पास, एवरीथिंग इज मेंशन देयर। तो ये कॉन्सेप्ट क्यों लग सका, क्योंकि पूरा जो है कोन का हाइट भी 180 बन रही है, ये रेडियस ये 120 पूरा पूरा हमारा एडजस्ट हो रहा है, और हमें सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या क्वांटिटी लगानी। ठीक है, सब कुछ दिया भी था, कोन का भी दिया, स्फीयर का भी दिया, सिलेंडर का भी दिया, हमें इतनी कोई टेंशन लेने के लिए जरूरत। चलिए बेटा, सबसे पहले हम यहाँ पर दो कॉलम्स बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, एक हमारे पास कोन है, एक हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है, और एक हमारे पास हेमिस्फीयर। थ्री कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। ओके जी, चलिए सबसे पहले कोन। कोन का वॉल्यूम के लिए आर और एच दोनों चाहिए होती, तो कोन की एच जो है वो मेरे पास 120 सेंटीमीटर है और रेडियस मेरे पास 60 सेंटीमीटर है। ओके, अब बात करें सिलेंडर की। सिलेंडर की हाइट मेरे पास 180 है और आर रेडियस सेम 60 सेंटीमीटर रेडियस है मेरे पास। ठीक है, हेमिस्फीयर, इसका भी आर जो है वो सेम ही है कोन जैसे, तो चाहे स्मॉल आर लिख लीजिए या आर डैश लिख लीजिए, डजंट मैटर, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। ओके जी, अब हम फॉर्मूला लगाएं यहाँ पर। तो मेरे पास जो है, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। ओके, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर जो है एच, आर और एच मैंने कैपिटल लिखा है तो आई विल राइट हियर कैपिटल। ठीक है, और पाई की वैल्यू मुझे स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं दी हुई है, तो आई कैन यूज एनी वन, इट इज टोटली अप टू यू। तो मैं 22/7 ही प्रेफर करूंगी। आर की वैल्यू 60 × 60 × 180। ओके बेटा, मल्टीप्लाई कीजिए एंड डिवाइडेड बाय 7, यू विल गेट 2036571.4 सेंटीमीटर के। जल्दी जल्दी करके देख लीजिए। ओके, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट बेटा, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इंसर्टेड इन जो है सिलेंडर। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंसर्टेड, ठीक है, वो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ मेरे पास जो है हेमिस्फीयर। ओके, अब हम क्या करेंगे यहां पर जो है वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाएंगे। 1/3 पाई मेरे पास जो है आर स्क्वायर एच, और इसका 2/3 पाई आर क्यूब, पुट ऑल द वैल्यूज 1/3 पाई 22/7 मेरे पास कोन का रेडियस 60 ही था और एच 120 थी, 2/3 पाई 22/7 और आर मेरे पास 60। ओके बेटा जी, क्लियर। तो अब इनकी वैल्यूज को इवैल्यूएट कीजिए। अब देखो इसमें कैलकुलेशंस कैसे इजी करनी है, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है, 60 स्क्वायर कॉमन है, तो ऐसे कॉमन लेके जितना ले सकती हो कॉमन लीजिए। मेरे पास 1/3 दोनों में कॉमन है, 22/7 कॉमन है, टेक इट कॉमन। तो देखो कैलकुलेशंस मेरी कितनी इजी हो जाती है, 1/3 जो है 22/7, 60 स्क्वायर कॉमन आया तो अंदर कितना रह गया 1/120 प्लस मेरे पास 2 रहता है यहाँ पर, और 3 चला गया, ये चला गया और एक 60 रह गया, देखो। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास 1/3 ये कटिंग हो जानी है, 20 बच जाना है, 1/7 20 और एक 20 बचा मेरे पास, यहाँ पर 22 बचा है। ओके वेट, 22 ये 7 बचा, यहाँ से 20 बचा और एक 60 बचा, ठीक है, और ये 120 120 240। ओके, अब सारी ये कैलकुलेशंस करके मेरे पास जो आंसर आया बेटा, सब कुछ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके जो है, मैंने अभी मल्टीप्लाई डिवाइड किया है सारा, तो आई विल राइट द आंसर डायरेक्टली 90
5142.86 सेंटीमीटर की। ओके आप वेरीफाई कर सकते हो, मैंने अभी अभी की है, कैलकुलेटर पे की है, ठीक है। ओके अब हम क्या लिखेंगे, वॉटर लेफ्ट इन सिलेंडर, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंसर्टेड। दोनों वॉल्यूम को माइनस कीजिए, दोनों वॉल्यूम को माइनस कीजिए फटाफट, जरा बताइए कितना आंसर आता है। हमारा पहला वॉल्यूम जो था हमने कैलकुलेट किया था 2036571.4 और माइनस जो अभी हमने कैलकुलेट किया है वहां पर दैट इज 905142.86। ओके माइनस करें तो मेरे पास बचेगा 113142.85 सेंटीमीटर क्यूब। ओके बेटा क्लियर, कोई मुझे आंसर अगर पर्टिकुलर यूनिट में निकालने को कहा वो निकालो। कई बार बुक्स में पीछे जैसे मीटर क्यूब में दिया है तो मीटर क्यूब में आप कन्वर्ट कर सकते हो, बट एग्जाम में थोड़ा हमें याद रहता है कि मीटर क्यूब में दिया है तो मीटर, तब आप जिसमें मर्जी आंसर छोड़ सकते हो। ओके और कुछ नहीं, यू कैन इवन लीव द आंसर हियर आल्सो बिकॉज दे हैव नॉट रिटन कि वॉल्यूम निकालो इन मीटर क्यूब, पीछे आंसर नो डाउट मीटर क्यूब में दिया, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है बेटा। ओके जी नाउ कम टू द नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब मैं सिर्फ समझाऊंगी इसकी कैलकुलेशन सब कुछ आप करोगे, आई विल जस्ट टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि इजी है आप कर सकते हो। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 8, अब क्या दिया हुआ है, व्हाट दे हैव रिटन इन द क्वेश्चन, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक जो है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। उन्होंने कहा है कि एक वेसल मेरे पास जो है फ्लास्क टाइप है, फ्लास्क आपने देखी है साइंस में, ठीक है, तो वो स्फेरिकल ग्लास है और उसकी सिलेंड्रिकल नेक है, ये देखिए ऐसे, इट इज जस्ट लाइक दिस। ओके और उन्होंने हमें मेजरमेंट दिया हुआ है, नेक जो है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और ये मेरे पास जो है, और डायामीटर इसका सिलेंडर का 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और व्हाट दे हैव राइट, द डायामीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5। अब इसका डायामीटर जो है डी, ये पूरा स्फीयर है ऐसे, तो 8.5 सेंटीमीटर उन्होंने दिया हुआ है। और दे राइट कि बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, अब पानी के फिल होने की बात की गई है ना, दैट मींस वॉल्यूम की बात होगी। उन्होंने कहा अ चाइल्ड फाइंड्स द वॉल्यूम टू बी 3-4-5 सेंटीमीटर क्यूब, चेक वेदर ही इज शी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट एंड द पाई एज 3.14। अब एक बच्चे ने बताया कि इस वेसल का वॉल्यूम इतना है ना, हमने चेक करना है कि क्या वो 100% करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम कितना होल्ड करेंगे, तो दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बस दोनों के फॉर्मूले लगाओ, पाई आर स्क्वायर एच और स्फीयर का 4/3 पाई r³, बस। और चेक कीजिए कितना वॉल्यूम आता है, अगर 345 आता है तो आप लिखोगे शी इज करेक्ट, अगर नहीं आता तो यू कैन राइट शी इज नॉट करेक्ट, बस इतना ही काम है हमारा। ओके बेटा अभी जो हमने अभी तक क्वेश्चंस किए उसमें क्या था, एक के ऊपर एक ऑब्जेक्ट था या एक ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट डाला तो हमारा जो है वॉल्यूम ऐड हो रहे थे। अब हम जो करेंगे ना, अब हम करेंगे कन्वर्जन, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्जन करना, ठीक
ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा इसका और बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने कैंडल को मेल्ट किया, ठीक है, अब जो वो मेल्ट करके वैक्स आया वो वाला वॉल्यूम, उससे जो नई बनाई वो वाला वॉल्यूम इक्वेट होना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही हम करेंगे कि हमने कन्वर्जन करनी है एक सॉलिड शेप की दूसरी शेप में, तो उसमें हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, दैट वी विल लर्न टुमारो। ओके बेटा, आज हमने होमवर्क दिया है इसका, आप इसको कंप्लीट करोगे। और दूसरी बात, वेट, अभी कोई जाएगा